अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 49 न्यूज़ डिजिटल के साथ मैं हूँ आमिर तकवी। नाज़रीन, आज जश्न ईद मिलाद नबी पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान रह रहे हैं वहाँ पर हजूर के आशिकान रसूल जो हैं अपनी अकीदत का एहतराम करते हुए भरपूर तरीके से ईद को मना रहे हैं। मैं तो मौजूद हूँ चूनिया मजदूर चौक में, जहाँ आयशा मस्जिद की जो इंतजामिया उनकी जानिब से भी एक खूबसूरत रैली का एहतमाम किया गया है और जिसमें आशिकान रसूल की काफ़ी बड़ी तादाद है जो दुरूद सलाम पेश कर रहे हैं, हजूर की खिदमत में नात पेश कर रहे हैं और अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं। अगर बात करें ओवरऑल शहर में आज ईद मिलाद नबी के सिलसिले में शहर के मुख्तलिफ मकाम पर तकरीबात का सिलसिला जारी है, जुलूस और रैलियाँ भी निकाली जा रही हैं, नजर न्याज का भी अहतमाम किया गया है और इसके साथ साथ जो जुलूस में मौजूद है उनके लिए खास तौर पर न्याज और दूध की सिबिलों का अहतमाम किया गया है। इस वक्त जो मेरे साथ कुछ आशिकाने रसूल मौजूद है जो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और हुजूर की खुशियों में भरपूर अपने अकीदत का इजहार कर रहे हैं, उनसे बात करते कि वो आज के दिन के हवाले से क्या कहते हैं। जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हम सब मुसलमान आज खुशियां मना रहे हैं क्योंकि सरकार की आमद पर हम खुशी कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हमें अपना हबीब अता किया है और हम उसी लिए खुशियां मना रहे हैं। बिल्कुल, आज के दिन अल्लाह ताला की जो सबसे महबूब तरीन हस्ती है उनकी आज वलादत हुई है और इस वलादत पे तमाम आलम इस्लाम के जो मुसलमान हैं वो बड़े ही खुश दिखाई दे रहे हैं और आज के दिन को इतहाई अकीदत एहतराम से मनाया जा रहा है। वैसे कुछ और लोग उनसे बात करेंगे कि वो अपने आज के दिन के हवाले से अपनी अकीदत का इजहार कैसे करेंगे। कि अल्लाह ताला ने आज का दिन हमें नसीब फरमाया, ये आप की विलादत का दिन है जिसके अंदर जिसके लिए कायनात बनाई गई उसके लिए अल्लाह ताला ने आज हमें ये मौका दिया है कि आज हम उनकी हमदो सना करें, उनकी तारीफ करें। सरकार की आमद, आज के गुलाम है, गुलाम ये रसूल में कहना इश्क़ मुस्तफा, नारा हैदरी। आज के दिन मिलाद उन नबी के सिलसिले में करिया करिया गली गली कुछ कुछ जो है जो फलक्ष गाफ नारे हैं वो उनकी गूंज सुनाई दे रही है और जो हमारी फजा है वो गूंज रही है। मेरे साथ कुछ और दोस्त भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि वो अपनी अकीदत का इजहार कैसे करेंगे।